जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख ही रहा है थंबनेल में, हम जाने वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी। फ्रेंड्स, ये रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद सिटी में है और ये लगभग हैदराबाद के आउटर में है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, हम जा रहे हैं अभी, हम हैदराबाद सिटी में से निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो रामोजी फिल्म सिटी जाने का जो एग्जैक्ट अच्छा टाइम जो रहता है, ये रहता है नवंबर से लेके अक्टूबर में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा गर्मी रहती है। तो आप ध्यान रखिए जाने से पहले कि आप टाइमिंग देख लें कि आप कब जा रहे हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इवन फरवरी में भी आप जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है तो आप अच्छे से विजिट नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और हमने एंट्री कर ली है फ्रेंड्स रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। अब हम पार्किंग में कार रख रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे हम जहाँ पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये टिकट काउंटर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से हमको टिकट्स लेना रहता है। यहाँ पे अलग अलग रेंज के टिकट्स हैं फ्रेंड्स, आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है, उसके साथ खाना भी ऐड है क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको कितने टाइम तक स्टे करना है। ये हमने टिकट ले लिया है फ्रेंड्स, ये हमारा 1593 का है। और इस तरीके से ये हमारे स्टिकर मिलते हैं, जो कि हम जैसे अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ये हमको बाजू पे लगाने होते हैं। तो हम अंदर एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चेकिंग होगी। इस तरीके से लेडीज़ की अलग होती है और जेंट्स की अलग होती है। तो ये हमारी चेकिंग हो गई है और इस तरीके से हमने स्टिकर लगा दिए हैं। जो हमें टिकट देते हैं उसी के साथ ही फ्रेंड्स ये स्टिकर मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए बसेस वगैरह वहाँ पे लगी हुई रहती है, तो हम बसेस में बैठेंगे और फिर आगे के लिए रवाना होंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये बस में बैठ गए हैं और अब हम आगे रवाना हो रहे हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही प्यारा लगता है। और जहाँ से हम बसेस में बैठते हैं वहाँ से लगभग हमें रामोजी फिल्म सिटी तक पहुँचने में लगभग 8 किलोमीटर का वो सफ़र रहता है। तो उस बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल सीन्स हमको दिखते हैं, बहुत ही पहाड़ वगैरह, ग्रीनरी, फ्लावर्स, बहुत प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सीन हमको दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप नवंबर या दिसंबर में जाते हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा समर में थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम फ्रेंड्स लगभग पहुंचने ही वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी में। ये देखिए हमारा लगभग एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से बहुत ही कलरफुल और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स करने के लिए, जैसे मूवीज़ कैसे बनाते हैं ये भी हमें बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अंदर है। और आप अपना टाइम स्लॉट देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक दिन में पूरा विज़िट करना बहुत इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन हम लगभग 70% ही कवर कर पाते। तो आप चाहें तो वहाँ नाइट भी रुक सकते हैं। नाइट रुकने के लिए वहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर चेक करें कि आपको नाइट विज़िट करना है क्या है। उसके लिए आप पहले ही बुकिंग करा लीजिएगा। ये देखिए हम अंदर एंटर कर चुके हैं। देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी है, आप भी इन व्यूज़ को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा दृश्य हम देखते हुए अंदर एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए
ये अब जो मेन जो रामूजी फिल्म सिटी अंदर से जो स्टार्ट हुई है, ये हम अंदर आ गए हैं गेट के अंदर। जैसे हम एंटर करते हैं तो इतनी ब्यूटीफुल सी ये पेंटिंग्स हमें नज़र आती है। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा 360 व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी एक बार ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये अब हम अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मूवी कैसे बनाते हैं तो उन सब के बारे में हमको बताएंगे, और इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं ये सारा हमको बताने वाले हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम ये अंदर हम एक हॉल में आ जाते हैं। इस तरीके से सब लोगों को एक हॉल में पहले लॉक कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मूवी चल रही है तो उसका हमें वेट करना पड़ता है। और ये चेन लगी हुई है, यहाँ से गेट ओपन होते हैं और फिर हमको अंदर एक दूसरे हॉल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। उससे पहले यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो कुछ लेक्चर देते हैं रामोजी फिल्म सिटी के बारे में, कि कैसे मतलब बनाए हैं, क्या है। अब यहाँ पर वो चेन ओपन हो गई है, अब हम लोग अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स हॉल के अंदर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको मूवी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं, और साथ में जो दर्शक बैठे हुए हैं उनमें से ही कुछ पर्संस को इनवाइट करते हैं और उनके थ्रू ही मूवी बनाना सिखाते हैं। इतना इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, देख के आप सोचोगे कि अरे यार इसमें तो कुछ भी एफर्ट नहीं है, बहुत ईजी में बन जाता है। और सारा प्रोसेस जो है वहाँ के मैम समझाती है कि कैसे बनाते हैं, और उसकी जो एक्टिंग करते हैं वो यहीं से बुलाए हुए यानी कि दर्शकों में से बुलाते हैं। चलिए आप भी एंजॉय करिए। अंदर जाओ अंदर सर, स्टार सुन। सो ऑडियंस डिड यू वॉच मूवी? क्या आप लोग मूवी देखते हैं? आप सभी के मनोरंजन के लिए बहुत सारे लोग मेहनत, बहुत सारे ट्विस्ट है सर। इस कहानी में आपका रोल ये है, यू गाइस आर बैंक रॉबर्स, ओके। आप लोग 2 करोड़ लेके अभी भागने वाले हैं, ओके। 2 करोड़ रेडी है सर, मचाएंगे सर, ओके। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस कैमरा एंड चलाते चलाते पीछे पलट के देखना सर, इंस्पेक्टर भी आने वाले हैं। बस अभी से बसन नहीं रहेंगे, बस आप आराम से स्विंग करो। अभी बिगिन है, शुरुआत हो रही है, आप चलाते रहना, रुकना नहीं है, पेट्रोल खत्म नहीं होते। क्या बात है सर, आप पर्दे के सामने आ चुके, बहुत अच्छी शुरुआत है सर, थोड़ी तेज चलाओ सर। ऐसे लग रहे जैसे आप लोग कहीं मस्ती करने जा रहे हो सर, रेस करते रहो। सीन क्या है सर, 2 करोड़ लेके आपको भागना है सर, हरी भरी होनी चाहिए। क्या बात है, एकदम आप लोग कंफ्यूज और मुस्कुरा रहे हो, बाइक में ही बिजी है, रेस करते रहना सर। पलट के देखो, लुक बैक, इतने आराम से कौन देखते, इंस्पेक्टर जी को बताओ सर सीन क्या है सर, सामने देखो। क्या बात है, अलग ही मूवी बना रहे सर, एकदम भरपूर कॉमेडी और मसाला है। मुझे तो ऐसे लग रहा है आप लोग लद्दाख जा रहे हो 31st के लिए। चलाते रहना सर, रुकना नहीं है, ओके। क्या बात है, और इस पल को जी रहे, एकदम आराम से गोलमाल कीजिए। एक बार पलट के देखिए, लुक बैक एंड इमीडिएटली फोकस ऑन दिस कैमरा। क्या बात है, एक दूसरे नाउ यू गाइस आर डूइंग गुड स्टंट ऑन द मेट्रो ट्रेन। क्या बात है सर, एकदम स्टंट नहीं हो रही ना इससे? हाँ हो रहे हैं, वही तो सर, लोग मजाक बना रहे हैं सर। स्टंट कीजिए, यस परफेक्ट, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर, वो भी एकदम कॉमेडी मसाला बना दिया। अब हम फ्रेंड्स दूसरे रूम में जा रहे हैं। अब दूसरी जो रिकॉर्डिंग होगी वो दूसरे वाले हॉल में होंगी, तो आप वॉच कीजिए साउंड कैसे डालते हैं, साउंड इफ़ेक्ट मूवी में वही यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ में यहाँ के जो दर्शक हैं उनमें से ही कुछ को इनवाइट करेंगे, और जो कुछ टूल्स वगैरह रखे हैं उन्हीं की हेल्प से ही वो साउंड निकालेंगे और उस मूवी में ऐड करेंगे। तो आप वॉच करिए, आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। थंडर, बिजली, लाइटिंग, ये जो अभी आप लोग प्रोसेस देख रहे हैं ये हमें इसलिए अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेज पसंद आएंगे। आप लोग रेडी है? ओके, सो पहला फाइट सीन आप ही करोगे, ठीक है मैम, बी रेडी।
अब तभी चलाइए ठीक है, उसके बाद हवा। रेडी मैम, टैप। एट द मिक्सी, एट द व्हील। आप तब तक मूवी देखी, कहीं और नहीं जाना है, मूवी देखते रहिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं मिक्सी के साथ बाइक चालू है आपके सामने, ये प्रोसेस हम लगान मूवी तक अप्लाई करते थे। वी आर अप्लाइंग दिस प्रोसेस टिल लगान मूवी, नाउ वी आर नॉट अप्लाइंग दिस प्रोसेस बिकॉज नाउ इट इज वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ हम भी आगे बढ़ चुके हैं। नाउ वी कैन एड द साउंड डायरेक्ट लाइव, आजकल डायरेक्ट साउंड एड कर सकते हैं लाइव। एक बार ताली होनी चाहिए हमारे टेक्नीशियंस ग्रुप्स के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीकों से ये साउंड एड करे, कि कोई रुकना नहीं है, अप एंड डाउन करते रहना। वन मोर सीन इज ऑन द वे, आप रेडी रहना, मैं पंच कर रहा हूं। और हमारे स्टार्स भी काफी मेहनत करे रहेगी। सो मच मैम, अभी आप पिस्टल उठाइए, गोली चलाने का वक्त है, अभी गोली मत चलाना मैम। नाउ सिचुएशन इज गोइंग टू बी टफ, अभी मामला थोड़ी गंभीर होने वाला है, क्योंकि पिस्टल के अंदर एक ही गोली है दोस्तों। आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं, रेडी रहिए, आप पोजीशन ले लीजिए ओके। बस गोली अभी मत चलाना मैम, एक ही गोली है, बहुत अच्छे चला रहे हैं, कोई अप एंड डाउन करते रहना मैम। यस परफेक्ट, नहीं 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 अभी गोली मत चलाओ जी, रेडी पोजीशन, पोजीशन रेडी शूट। सही गोली चलाई एकदम टाइमिंग के साथ। एक बार ताली होनी चाहिए हमारे इंस्पेक्टर जी के लिए, कमाल की आपने ऐड किए, थैंक यू सो मच। कॉफी चाहिए, अब हमारे स्टूडियो जाके कलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप सभी लोग उस कहानी को आवाज के साथ देखिए अभी। तो फिर से आपने देखा इस तरीके से मूवी बनती है, और बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।